आज हम बनाने वाले हैं 10 मिनट में चटपटे आलू कॉइंस। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार आलू कॉइंस बिना देर किए हुए, बहुत ही चटपट और डिलीशियस से। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें कि इस तरीके से सर्कल शेप में कट करके ले लिया है। यदि आपके पास छोटे आलू हैं तो आप उन्हें भी कट करके ले लीजिए, वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इन्हें मैंने छील कर इस तरीके से कट कर लिया है और 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच जितना मैंने सरसों का तेल ले लिया है, आप नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा उसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा और 1/2 छोटा चम्मच जितना राई डाल देंगे, साथ ही में 1 पिंच जितनी हींग डाल देंगे। अब 1 साबुत लाल मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते और 4 हरी मिर्चें बीच से कट लगाकर मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखा है अभी तक मैंने, और यहाँ पे इन्हें हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। 30 से 40 सेकंड तक चला लिया इसे, और इसके तुरंत बाद ही हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। तो ये सारे आलू मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें आलू को इसी तरीके से फ्राई करना है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट बाद हल्की सी एक क्रिस्पी लेयर इस पे दिखाई देने लगेगी, देखिए इस तरीके से आलू के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच जितना, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/2 छोटा चम्मच जितना, साथ ही में हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच जितना। नमक डाल देंगे, मैंने 1/2 छोटा चम्मच डाला है, आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए, और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि सभी आलू के पीसेस पे मसाले की बहुत ही बढ़िया कोटिंग आ जाए। इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। तो 3 मिनट हम ढक कर पकाएंगे, बीच बीच में 1-2 बार चला लेंगे। तो मैंने बीच में सिर्फ 1 ही बार चलाया है, और 3 मिनट बाद हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो आलू का थोड़ा मोटा पीस है, बड़ा पीस है, उससे हम इसे चेक कर लेंगे कि आलू अभी कितने पके हैं, कितने कच्चे हैं। तो यहाँ पे आलू लगभग पूरी तरीके से कुक हो गए हैं, तो अब मैंने कवर करके कुक नहीं करने वाली। यदि आपको आलू ज़्यादा कच्चे लगते हैं तो आप ढककर फिर से 3 मिनट पका लीजिए। मैं यहाँ इसी तरीके से चलाते हुए 1-2 मिनट और पकाने वाली हूँ, जिससे कि ये फ्राई भी हो जाएंगे और अच्छी तरीके से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने 2 मिनट और पका लिया है इन्हें। अब हम यहाँ पे गरम मसाला डाल देते हैं। 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल दिया है मैंने, 1/4 छोटा चम्मच जितना आमचूर पाउडर और धनिया पत्ता डाल देते हैं। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर लेते हैं। आलू हमारे एकदम परफेक्टली बन करके रेडी हो गए हैं, अच्छी तरीके से मिला देते हैं। तो आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए या लंच बॉक्स में ट्राई कीजिए, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर।